आज मेरा दिन स्वाहा
सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। यहाँ पर विगत 11 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन प्रतिवर्ष होता है। माँ भगवती की अर्चन वंदन यजन करने से जीव के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि शिव शक्ति मयम जगत संसार शक्ति से ही बधा हुआ है। कार्य करने के लिए हमें एक शक्ति की आवश्यकता होती है, और जो हमारे जीवन को निर्वाह करती है वो शक्ति है दुर्गा। उसके बिना संसार ये शून्य है। नवरात्रों में आज अष्टमी का दिन माँ भगवती की आज कन्याओं का पूजन भी होता है। माताएं उपवास रख के दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का पूजन करती हैं, और यथा शक्ति हवन इत्यादि करके अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ भगवती का जो अमूल्य मंत्र है ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का यदि एक माला जप करती हैं तो और सुंदर रहेगा। दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पहले पैर धोएं, टीका लगाएं इत्यादि करने के बाद उनको आरती उतारें, सुंदर नैवेद्य जिमाएं, इसके बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम करें। जो व्यक्ति अष्टमी के दिन कन्याओं का दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन करता है, सुनिश्चित उन भक्तों की मां समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और मन ईप्सित वरदान प्रदान करती है। और कुछ पूछना है बोलिए। यहाँ पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है माँ भगवती के। फिर से ले, यहाँ पर प्रतिवर्ष के भांति सहस्त्र चंडी हवनात्मक महायज्ञ का होता है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट में। हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गूंगों को माँ बोलने की यहाँ शक्ति प्रदान करती है। जो जिस कामना से इस दरबार में आता है, आज तक न जाने कितने लोगों की मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण हुई हैं। आप सब आइए। प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक हवन का कार्य, सायं 4 बजे से 7 बजे तक उनका कार्य होता है। 7:30 बजे माँ भगवती की आरती उतारी है। यही नित्य प्रति और जो भी वक्त आता है उसको हवन करने का, यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। आप सब वक्त आइए और इस महा यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करिए, धन्य करिए, क्योंकि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। सब कुछ समस्त संसार के भोगों को प्रदान करने वाली माँ दुर्गा है। उनके शरण में आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मदास जी की ओर से जय माता दी, जय माता दी। हमारी फोटो आएगी पंडित, एक फोटो ले लो। हेलो, फोटो करें। हां बोलिंग सर, सर क्या कहना चाहेंगे आज इस पावन महीने और पावन दिन में? आज रात्रि का 8वां दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवन के बारे में जो आज चल रहा है? ये हवन आज जिस तरीके से हो रहा है, ये हमारे देश में हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, हिंदू संस्कृति विलुप्त हो जाती है, तो इस तरीके से कार्य होना बहुत अनिवार्य है। और जो महाराज जी ने कार्य रखा है उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रह गई मेरी बात, तो मैं आज यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि हमारे देश में जिस तरीके से सूखा ग्रसित हुआ है, माता जी के चरणों में मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि हे माँ, हमारा जो नया वर्ष है इस वर्ष में हमें पूर्ण वर्षा चालू और हमारे देश संपन्न रहे, और जो हमारे देश दोहियों की, हमारे नौजवानों की बुद्धि वेस्ट हो गई है, उस बुद्धि को सद्बुद्धि में बदले, ताकि वो देश का नाम रोशन करे, देश का नाम ना खराब करे। भगवान के स्वामी के बारे
नहीं बताया मैंने, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य रखा है जो मतलब हमारी संस्कृत को बढ़ावा देती है और ये कार्य हर जगह होना चाहिए। मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि ये ऐसे यज्ञ हर जगह रहे ताकि हमारी संस्कृत को बढ़ावा मिले। नहीं, देश मैंने बताया हमारे देश के समस्त लोगों को सुख संपत्ति मिले और उनके दुखों का निवारण हो। आज नव वर्ष के और माँ के इन दिनों में मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों। जय माता दी। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे परम पूज्य स्वामी श्री धर्मदास शास्त्री जी के द्वारा श्री सत्य चंडी महायज्ञ का आयोजन करवाया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं आज माता जी का अष्टम दिवस है। सुबह और शाम दोनों टाइम हवनात्मक हवन भी होते हैं और हमारे सारे जितने भी भक्तगण आते हैं यहाँ परिक्रमा करते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं, साथ में सब लोग आहुति देते हैं और अपने मन क्रम वचन को पवित्र करते हैं। जय माता जी। आज उन्हें तो विजुअल ले रहे हैं।